जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जानेंगे। हम जानते हैं कि जब धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रथम नियम क्या है इसका? प्रथम नियम है कि किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उस प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है। किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होती है, I proportional n। तो इसका मतलब यह है कि किसी धातु की प्लेट पर जो प्रकाश पड़ेगा उसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित संख्या के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा उतने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी। जितना कम प्रकाश होगा उतनी कम आपकी प्रकाश आपके कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसके बाद में आता है हमारा द्वितीय नियम। दूसरा नियम कहता है कि किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी धातु की प्लेट पर ये जो प्रकाश की तीव्रता पड़ रही है, आपतित प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है इसमें और आपके ये जो प्रकाश आपका आपतित हो रहा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा है किसी धातु की प्लेट, तीसरा है आपका किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में संबंध होता है। जो आपकी प्रकाश की आपकी आवृत्ति आती है, जो आपके आपका प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति जो होती है वो आवृत्ति आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के निर्भर करती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है। जैसे कि ये है प्रकाश है तो प्रकाश की जो आवृत्ति होगी उसका आपका संबंध रहता है प्रकाश के अधिकतम आपके इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा से। तो सेकेंड नियम ये है कि आवृत्ति का संबंध आपके इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। चौथा नियम है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करने से प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते धैली आवृत्ति कहलाती है। मान लीजिए ये हमारी प्लेट है और इसके ऊपर हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो वो न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिसे धातु की प्लेट पर डालने से उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे उसे हम बोलते हैं धैली आवृत्ति। और ये इसका चतुर्थ नियम भी है, यानी कि किसी धातु की प्लेट पर आपतित वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आप धातु की प्लेट पर डालेंगे तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे धैली आवृत्ति कहलाती है। पांचवा है किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश आपतित होने तथा इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के मध्य कोई समय पश्चता या समय अंतराल नहीं होता है। यानी कि किसी धातु की प्लेट पर आप अगर प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश पड़ते ही उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं सारे नियम। पहला नियम है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, आई और प्रोपोर्शनल एन, इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है। दूसरा है आपतित प्रकाश की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा है कि जो आवृत्ति होती है आवृत्ति का संबंध आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा से होता है। चौथा है कि वो कम से कम आवृत्ति जिसे धातु की प्लेट पर डालेंगे और कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे धैली आवृत्ति कहलाती है। और जैसे ही इसके ऊपर आपके प्लेट पर आपका प्रकाश पड़ता है उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता है।